अखिलेश बोले, सरकार ने देश को शौचालय में उलझाकर रख दिया। महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ नहीं होंगे झारखंड विधानसभा के चुनाव। दिल्ली में ऑड इवन का उल्लंघन किया तो होगा 20,000 रुपए का जुर्माना। यूपी सरकार के 2.5 साल पूरे, योगी का दावा, एक भी दंगा नहीं हुआ। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को अमेरिका में मिला अवार्ड। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला है। राज्य में बीजेपी सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कर्ज माफी पर योगी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर को लेकर कहा कि जब सब सामान आप बाहर से खरीद रहे हो तो डिफेंस कॉरिडोर में कौन क्या बनाएगा। उन्होंने केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार को लेकर कहा कि ये बैलगाड़ी से ज्यादा तेज नहीं चल रही। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे। बता दें कि अक्टूबर के आखिरी में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। गौरतलब है कि अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव इस बार एक साथ कराए जाएंगे, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी ने ये कयास को खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि अगले चंद दिनों में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा। बुधवार को चुनाव आयोग ने ये बताया था कि कुछ राजनीतिक पार्टियां ये गुजारिश कर रही हैं कि विधानसभा चुनाव दिवाली के बाद कराए जाएं। दिल्ली वालों पर जुर्माने की दोहरी मार पड़ने वाली है। पहले से लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। अब ऑड इवन योजना का उल्लंघन करने पर भी अधिकारी भारी जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इससे पहले जनवरी और अप्रैल 2016 में दिल्ली सरकार ने ऑड इवन योजना लागू की थी, उस समय इसका उल्लंघन करने पर 2,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। राष्ट्रीय राजधानी में 4 नवंबर से फिर से लागू हो रहे ऑड इवन नियम का उल्लंघन करने पर संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत 20,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि उन्होंने समाज के हर तबके लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि बीते 2.5 सालों में उनकी सरकार ने जनता का विश्वास हासिल किया है और जनता का नजरिया भी बदला है। उन्होंने कहा कि 86 लाख किसानों के 1 लाख तक के कर्ज को माफ किया है। सीएम योगी ने कहा, हमारे सभी मंत्रियों ने अच्छा काम किया है और मैं पीएम मोदी व अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में सरकार ने 2.5 साल का सफर तय किया है। उन्होंने कहा, बीते 2.5 वर्ष में राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ। दुर्दांत अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर भाग गए, तथा बलात्कार, लूट, फिरौती और बलवा के मामलों में भारी कमी आई है। मशहूर गणितज्ञ और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को अमेरिका में शिक्षा से संबंधित द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 मिला है। उन्हें ये अवार्ड जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए दिया गया है। ये अवार्ड फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस संगठन की तरफ से कैलिफोर्निया में दिया गया। इस सम्मान समारोह का आयोजन फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस संगठन के 25 साल पूरे होने के मौके पर कैलिफोर्निया के सेंट जॉन्स में आयोजित किया गया था।
अवार्ड पाने के बाद सम्मान समारोह में आनंद कुमार ने कहा, लोगों तक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की पहुंच होने से विश्व में बड़ा बदलाव आएगा। इससे गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण सहित कई समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी।